दोस्तों आज अपन इंटीग्रेशन में लविंग फॉर्म सिक्स की बात करेंगे। देखिए लविंग फॉर्म सिक्स क्या कहता है, अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, लविंग फॉर्म सिक्स अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा है वन अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, तो भैया इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यह आपको दे रखा है वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यह आपको दे रखा है वन अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा, क्लियर है कि नहीं है। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यही है लविंग फॉर्म सिक्स। और अपने को सीखना है कि अगर डिनोमिनेटर में दो साइन या दो कॉस या एक साइन एक कॉस आ जाए तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इनको सीखते हैं। जैसे पहला चीज आप देखिए कि अगर दो साइन साइन है, अगर डिनोमिनेटर कंटेन्स, इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स साइन साइन और कॉस कॉस, यदि डिनोमिनेटर के अंदर साइन साइन करता है या कॉस कॉस दिखता है तो भैया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स या साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट क्या है भैया, बहस का मुद्दा। यहां पर कौन है बहस का मुद्दा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस अल्फा। कुछ नहीं करना, अगर डिनोमिनेटर में दो साइन या दो कॉस है, पहले इनकी बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे इसकी, एक साइन और एक कॉस आ जाए। अगर डिनोमिनेटर में आपको कभी भी प्रोडक्ट के अंदर दो साइन या दो कॉस दिखे, बस आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। कैसे, अब बताओ जैसे इस वाले एग्जाम्पल को ही देखते हैं, इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, ये दे रखा है। अब अगर इनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस लूं तो x माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा ये लिखा हुआ है, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस का अल्फा, क्लियर है कि नहीं है। बताओ ये टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये टर्म कांस्टेंट नहीं है तो फिर सोचेंगे, लेकिन हमेशा ये टर्म कांस्टेंट होगी ही होगी, अगर वन अपॉन साइन साइन दे रखा है या वन अपॉन कॉस कॉस दे रखा है या वन अपॉन साइन कॉस दे रखा है, क्लियर है कि नहीं है। तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस ले ले, वो एक कांस्टेंट आएगा, बस उसी के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्योंकि आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मैड पागल हो जाना है आपको साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा से, उन आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस के एंगल के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि जैसे मैंने वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड किया तो मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया और ऊपर मैं यहां पर लिख देता हूं साइन ऑफ बीटा माइनस का अल्फा, अपॉन में हो गया साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस का बीटा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए यहां पर लिखा हुआ है वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन साइन ऑफ, देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्या यहां पर यह लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा, या ऐसे लिख देते हैं बीटा माइनस अल्फा को एक्स माइनस अल्फा माइनस का एक्स माइनस बीटा, तो यह लिखा हुआ है एक्स माइनस का अल्फा माइनस का एक्स माइनस बीटा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमने बीटा माइनस अल्फा की जगह ये लिखा, तो इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए ए और इसको बी कंसीडर कर रहा हूं, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे जिसके अंदर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगा, क्लियर है कि नहीं। और नीचे लिखा हुआ है कितना, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, बस ऊपर वाली पार्टी को ओपन कर दीजिए, वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस का अल्फा तो कॉन्स्टेंट है विद्यार्थियों, और ऊपर अगर आप ओपन करोगे फॉर्मूले के साइन ए माइनस बी के, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा, फिर माइनस का कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा, और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसको दोनों पे सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, और बाहर लिखा हुआ है dx। आइए इस वाले टर्म को अगर आप देखेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो गया, इस वाले टर्म को देखेंगे तो यहां पे साइन एक्स माइनस बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा बचा, यहां पर कॉट ऑफ एक्स माइनस बचा, यहां पर दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है। आइए इसके बाद यहां देखें, वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है विद्यार्थियों, इंटीग्रेट करोगे तो यह बन जाएगा कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा माइनस का कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, सोचो, और यह लिखा हुआ है कितना dx। तो बताओ कॉट का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln mod sin of x minus beta minus का ln mod sin of x minus alpha, आया कि नहीं आया, और बाहर लिखा हुआ है आपका 1 upon sin of beta minus alpha, जिसको फाइनली आप लिख सकते हो sin
a माइनस साइन b, तो साइन a अपॉन b का फॉर्मूला प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये देखा एल एन मॉड साइन ऑफ x माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ x माइनस अल्फा, और बाहर एक कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी, और प्लस सी लगाना ना भूले। तो जब भी आपको वन अपॉन दो साइन या वन अपॉन दो कॉस दे रखे तो आपको साइन ऑफ उन आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो जैसा अपन ने ये किया वैसा का वैसा अपन कॉस करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो ताकि बात करेंगे अपन अगले एग्जाम्पल की जो कि दे रखा है वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा। विद्यार्थियों आपको बता दिया है अगर दो साइन डिनोमिनेटर में दिखे या दो कॉस डिनोमिनेटर में दिखे और उनके डिफरेंस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस एक कांस्टेंट आए तो आपको हमेशा उन साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। बताओ यहाँ पर बहस का मुद्दा आर्ग्यूमेंट्स कौन है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये बीटा माइनस का अल्फा एक कॉन्स्टेंट आएगा। बस अगर डिनोमिनेटर में दो साइन दिखे या दो कॉस दिखे आपको कुछ नहीं करना, आप उनके साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है यहां पर, और ऊपर लिख देते हैं साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा डीएक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा। सोचो विद्यार्थियों यहां पर अपन ने साइन बीटा माइनस अल्फा इसलिए लिखा ताकि बीटा माइनस अल्फा को अपन यही दो आर्ग्यूमेंट लिख के फॉर्मूला लगा दें। तो जैसे आप इसको लिखोगे ऐसा वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, तो ठीक है बाहर कांस्टेंट लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बीटा माइनस अल्फा इसको लिख दो आप पूरा का पूरा ये एक्स माइनस अल्फा माइनस का एक्स माइनस बीटा, जिन दो आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस लिखा था वापस से वही लिख देते हैं साइन ऑफ, ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा माइनस का एक्स माइनस बीटा। आप देखेंगे ऊपर प्रॉपर्टी बन गई है साइन ए माइनस बी की, नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस अल्फा सॉरी कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो कॉस है। आइए ये लगा वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ऊपर प्रॉपर्टी के तहत साइन ए माइनस बी लगाएंगे तो ये लगा साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, और फिर नीचे वाला सेपरेट कर दीजिए तो आपको दिखेगा एक फॉर्मूला लविंग इंटीग्रल जो कि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा, ये हो जाएगा dx। आइए विद्यार्थियों अब की बार cos cos गया x माइनस बीटा वाला टर्म, यहां पर भी cos cos गया x माइनस अल्फा वाला टर्म, तो 1 अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा क्या ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहां पर बचा हुआ है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा अपॉन cos x माइनस अल्फा tan ऑफ x माइनस अल्फा, यहां पर बचा हुआ है माइनस का tan ऑफ x माइनस बीटा। बताइए हमने लास्ट क्लास के अंदर tan लीनियर का tan x का इंटीग्रेशन पढ़ा था, tan x का इंटीग्रेशन होता था ln mod sec of x plus c, आज अगर लीनियर x की जगह x माइनस अल्फा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ln mod sec of x माइनस अल्फा माइनस का ln mod sec of x माइनस बीटा, हाँ है ना। अब इसके बाद जितना आप सिंप्लीफाई कर सके उतना आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस का अल्फा, फाइनली एल एन एम माइनस एल एन एन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, यहां लिख देते हैं वन अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा एल एन मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन सेक ऑफ एक्स माइनस बीटा, ये है आपका आंसर। आइए एक आध दो क्वेश्चन और करें। अब अगर आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन ऑफ 3x इंटू साइन 5x, देखो यहां पर तो पूरा पका पकाया दे रखा है, यहां पर 1 अपॉन में था यहां पर मैं अपॉन में साइन 3x साइन 5x है और न्यूमरेटर में साइन 2x है, आप बस ये देखें क्या डिनोमिनेटर में दो साइन है और डिनोमिनेटर में दो साइन है तो न्यूमरेटर में उन साइन का डिफरेंस होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में दो साइन या दो कॉस है तो न्यूमरेटर में उन साइन का आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस होना चाहिए, क्या डिनोमिनेटर में दो साइन है तो न्यूमरेटर में उन साइन के आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस है, बिल्कुल है। तो क्या आज आप 2x को लिख सकते हैं क्या, यहां पर लिख दिया साइन ऑफ 5x माइनस का 3x, बस यही लिखते बात बनती चली जाएगी साइन 3x इंटू साइन 5x, हाँ है ना। नीचे अगर दो साइन साइन हो या दो कॉस कॉस हो बस उनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस का साइन दिखना चाहिए, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अगर वो कांस्टेंट है तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल के साथ आ रहा है तो इसने पहले क्वेश्चन में दे दिया ताकि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता न पड़े। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। अब सेपरेट कर दीजिए तो यहां पे साइन 3x साइन 5x आया, यहां पर आ जाएगा साइन 3x साइन 5x आ गया। क्लियर है कि नहीं है? आइए, यहां से साइन 5x गया, यहां से साइन 3x गया, तो यहां पर बचेगा कॉट ऑफ 3x कॉस 3x बाय साइन 3x, यहां पर बचेगा कॉट ऑफ 5x। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, बात आराम से बन जाएगी। कॉट का इंटीग्रेशन होता है ln mod sin 3x। अब यहां पर कोई की कोएफिशिएंट x का 3 भी है तो यहां पे डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, माइनस का 1 अपॉन 5 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 5 है, तो 1 बाय 5 ln mod sin 5x। लेकिन अब की बार यहां पर आप प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट 1 नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए एज इट इज रहेगा। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अगर आपको यह बात समझ में आई तो हमने अभी तक पूरे के पूरे इसमें आर्टिकल में यह देखा कि अगर डिनोमिनेटर में दो साइन या दो कॉस है तो आपको 1 अपॉन साइन या साइन के आर्ग्यूमेंट्स, जो इनका आर्ग्यूमेंट है, जो इनके एंगल्स है, उनके डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, उनसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और इस वाले क्वेश्चन में अभी अपन ने देखा कि उन साइन के आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस ऊपर तैयार था साइन में, तो सीधा अपन ने लिख दिया। क्लियर है कि नहीं है? मन में सवाल आ रहा है विद्यार्थियों कि सर दो साइन दो कॉस डील करना आ गया डिनोमिनेटर में, अगर एक साइन और एक कॉस है तो सोचो एक साइन और एक कॉस है तो यहां पर अपन कॉस के आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मतलब अगर आपके पास 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस अल्फा कॉस ऑफ x माइनस बीटा है, हाँ या ना, तो एंगल क्या है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। लेकिन अगर एक साइन और एक कॉस है तो इन आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस के कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो कॉस ऑफ बीटा माइनस का अल्फा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है, बाय cos of beta minus alpha। देखो बात बनती चली जाएगी, अगर मैं 1 upon cos of beta minus alpha से divide करता हूं तो यहां पर multiply करना पड़ेगा। देखो इसका reason भी है, तो cos beta minus alpha से divide multiply किया तो नीचे लिखा हुआ है sin of x minus alpha cos of x minus beta। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो आप ये समझो कि cos beta minus alpha जो numerator में है उस beta minus alpha को मैं पूरा यही लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 upon cos of beta minus alpha, और ऊपर लिखा है हमने cos ऑफ x माइनस अल्फा माइनस का x माइनस बीटा, और यहां पर cos का फॉर्मूला बना है। अब की बार पहले दो साइन दो cos थे तो साइन का फॉर्मूला, अब दो एक cos एक साइन है तो cos का फॉर्मूला। नीचे लिखा हुआ है आपका sin ऑफ x माइनस अल्फा cos ऑफ x माइनस बीटा। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई? आइए इसको देखें, क्या cos a माइनस b का फॉर्मूला हम सबको पता है, ये लिखा हुआ है cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इट विल बिकम व्हाट cos of x minus alpha cos of x minus beta, फिर आएगा प्लस का sin of x minus alpha sin of x minus beta whole divided by, यहां पर हो जाएगा sin of x minus alpha, यहां पर हो जाएगा cos of x minus beta, इधर आ जाएगा sin of x minus alpha sin of cos of x minus beta। अब सोचो विद्यार्थियों, अगर मैं यहां पर sin से ही डिवाइड कर देता, इनके आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस के sin से डिवाइड कर देता, तो एक साइन एक कॉस एक साइन एक कॉस, तो इधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर तो टेन टेन साथ में आ जाते। लेकिन अगर आपने कॉस से डिवाइड किया तो हुआ क्या, एक टर्म कट रही है, फॉर्मूला कॉट का बना और कॉट का इंटीग्रेशन आता है। क्या अगर आप इधर वापस से साइन कर देते तो यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता, तो साइन ए कॉस भी एक टर्म सेम बन जाती तो यहां पर वन आता, और फिर एक टर्म बन जाती आपका 1 अपॉन टेन ऑफ एक्स माइनस अल्फा टेन ऑफ एक्स माइनस बीटा, तो ये वाला टर्म सॉल्व नहीं हो पाता। क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसे फंक्शन से या ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें इधर भी एक टर्म और इधर भी एक टर्म बचे सेपरेट करने के बाद। तो समझ में आया? तो यहां पर देखो कॉस के अंदर दो कॉस साथ में और दो साइन साथ में होता है, तो दो कॉस साथ में और दो साइन साथ में डिवाइड करेंगे एक साइन एक कॉस से, तो कॉस कॉस जाएगा तो एक साइन नीचे बचेगा, साइन साइन जाएगा तो एक कॉस बचेगा नीचे, बस यही बात थी। क्लियर है कि नहीं? ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ बीटा माइनस का अल्फा, बताओ ये क्या बना, कॉट एक्स माइनस अल्फा, यहां पर बना प्लस का टेन, ये बचा आपका कैंसिल आउट हो गया साइन, टेन एक्स माइनस बीटा, क्योंकि ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स माइनस बीटा। हम लोगों ने पढ़ा था कॉट लीनियर का फॉर्मूला ln mod sin ऑफ एक्स माइनस अल्फा, हमने पढ़ा था टेन का फॉर्मूला ln mod sec ऑफ एक्स माइनस बीटा। बोलो क्या बात समझ में आई? और बस यही है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा के साथ। अगर वापस से आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन
साइन ऑफ 5x और कॉस ऑफ 3x, तो एक साइन और एक कॉस दे रखा है, तो न्यूमरेटर में आपको कॉस का टर्म ही दे रखा होगा, ये निश्चित है, और कॉस का भी कौन सा टर्म दे रखा होगा, 5x माइनस का 3x, तो यहां पर आपको कॉस ऑफ 2x ही मिलेगा, क्योंकि आप इस कॉस 2x को, ये 2x को 5x माइनस का 3 लिखें, जैसे ही आप यहां पर 2x को 5x माइनस का 3x लिखेंगे विद्यार्थियों, तो यहां पर एक फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस b का, और इसको लगाने से टर्म सेपरेट होती जाएंगी, तो ये हो जाएगा cos 5x cos 3x प्लस का sin 5x sin 3x। सोचो विद्यार्थियों, सेपरेट करोगे तो आप देखें sin 5x नीचे बचा, cos 3x नीचे बचा, यहां पर sin 5x बचा, यहां पर cos 3x बचा। तो देखो cos ही क्यों होना चाहिए, अगर sin होता तो साइन, एक साइन आता एक कॉस आता प्रॉपर्टी में, तो इसको डिवाइड करने पर वन बचता, कॉस है तो दो कॉस दो साइन साथ में है, तो एक एक कॉस चला जाएगा, एक एक साइन चला जाएगा इसका, तो इधर एक टेन बचेगा, इधर एक कॉट बचेगा, इसका इंटीग्रेशन। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब बताएगा यहां पर यह चला गया, यहां पर बचा कॉट ऑफ 5x प्लस का इंटीग्रेशन कॉट ऑफ, ये इससे चला गया, यहां पर बनेगा 10 साइन 3x बाय कॉस 3x, इट विल बिकम 10 3x। बोलो आया कि नहीं आया? tan 3x का इंटीग्रेशन होता है 1/3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है ln mod sec 3x, तो tan लीनियर का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec लीनियर, और फिर वी लव लीनियर के तहत x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा ln mod sin of 5x होल डिवाइड बाय 1/5, प्लस का सी लगाना न भूले। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए, अगर आपको सही में बात समझ में आई तो दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि बात एकदम बन जाए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इस प्रकार से, वापस से एक साइन और एक कॉस लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए, जैसे 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस 1 और दे रखा है कॉस ऑफ एक्स माइनस का 2, ये फील करो। अगर 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस का 1 कॉस ऑफ एक्स माइनस का 2 दे रखा है, तो एक साइन और एक कॉस है, पहले आप ये देखें कि इनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस एक्स माइनस 1 माइनस का एक्स माइनस का 2, यह आ जाएगा आपका 1, ये वन आ गया, क्या ये कांस्टेंट है? फिर देखें एक साइन और एक कॉस है, तो भैया कॉस इन आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस, कॉस ऑफ इन आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस कितना है? 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सोचो पहले आपने डिफरेंस देखा कांस्टेंट आया, एक साइन एक कॉस है, तो कॉस इन आर्ग्यूमेंट के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मैड बाय कॉस 1, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉस 1, तो भैया कॉस 1 कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन कॉस 1 बाहर लिखा, ऊपर आ जाएगा cos 1, इस cos 1 को वापस से मैं 1 को ये लिख दूंगा ताकि बात बन जाए, नीचे लिखा हुआ है sin of x minus 1 cos of x minus का 2। बोला आया नहीं आया विद्यार्थियों? यहां पर इस cos 1 को फाइनली आप लिख दीजिए cos of x minus 1 minus का x minus का 2, क्लियर है कि नहीं है? अपॉन में sin of x minus 1 into cos of x minus का 2, ये dx लिखा हुआ है, 1 अपॉन cos 1 आया। अब बताओ 1 अपॉन cos 1 कांस्टेंट है, कोई दर्द नहीं, cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a cos ऑफ b, फिर आएगा प्लस का sin ऑफ a sin ऑफ b, फिर जैसे ही नीचे वाला सेपरेट करेंगे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक टर्म चली जाएगी, तो यहां से cos ऑफ x माइनस का 2 गया, यहां पर भी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा sin ऑफ x माइनस 1 cos ऑफ x माइनस का 2। आप ऑब्जर्व करें, बहुत देर से देख रहे हैं कि हमेशा एक साइन एक कॉस है, तो इधर भी बचेगा एक कॉट और इधर बचेगा एक टेन, अगर दो साइन दो कॉस थे साथ में नीचे, अगर नीचे दो साइन या दो कॉस थे तो या तो कॉट कॉट बनता था या तो टेन टेन बनता था, लेकिन यहां पर अगर एक साइन एक कॉस है तो हमेशा एक कॉट बनेगा और एक बनेगा टेन। देखो यहां पर एक टेन बना, टेन ऑफ एक्स माइनस 2, यहां पर बनेगा क्या एक कॉट, तो यहां बना कॉट ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx, और बाहर लिखा हुआ है 1 अपॉन cos 1। अब बताओ cot ऑफ x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन ln mod sin x माइनस 1 का mod प्लस का tan का इंटीग्रेशन ln mod sec ऑफ x माइनस का 2, आया कि नहीं आया? बाहर पूरे से डिवाइड है 1 अपॉन cos 1 प्लस का c, आप इसको sec 1 भी लिख सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर मिलाकर। इज द होल पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आया कि नहीं आया? आइए इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि बात बने, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि अपन एक और क्वेश्चन करें। देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इस प्रकार से, 1 अपॉन
किया, ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस का कॉस ऑफ 5x प्लस 2 अल्फा। ये क्वेश्चन दे रखा है विद्यार्थियों। अब साइन एक्स ऊपर है, कॉस ऑफ एक्स माइनस का कॉस ऑफ 5x प्लस का 2 अल्फा ये रहा। सबसे पहले कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएं, तो यहां पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और फिर होता है साइन डी माइनस सी बाई 2। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके आपको पता पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में 2 साइन आ रहा है। पहले देखें इसको, ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स, नीचे लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगाएंगे 2, ये सी मान लो ये डी मान लो, तो सी प्लस डी करूंगा तो ये जगह साइन ऑफ 5x प्लस 2 अल्फा प्लस का x सी प्लस डी बाई 2 और यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ सी माइनस डी माइनस सी बाई 2 तो ये जगह डी 5x प्लस का 2 अल्फा माइनस का x बाई 2। बोलो हाँ या ना? तो यहां से क्या बन के निकला, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स न्यूमरेटर में अपॉन में, देखिए यहां पर 2 बाहर है, ये लिखा हुआ है 5x प्लस का x 6x बाई प्लस 2 अल्फा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इट विल बिकम 3x प्लस अल्फा। हाँ या ना? और यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ 5x माइनस का x 4x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इट विल बिकम 2x प्लस का अल्फा। अब आप खुद सोचो, हमें क्वेश्चन में सारी चीजें तैयार मिली है, यहां पर जो 2 था इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकाल रहा हूं, तो ये क्या बना 1/2 इंटीग्रेशन। सोचो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी x है, दिस माइनस दिस तो x दे रखा है। अगर नीचे 2 साइन होते हैं या 2 कॉस होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगर उनके आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस कांस्टेंट है तो उस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। यहां पर तो करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर तो डिफरेंस कितना दे रखा है x और उसका साइन ऊपर मल्टीप्लाइड में ऑलरेडी है, तो कुछ नहीं करना, बस इस x को लिख दो, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है बताओ, 3x प्लस का अल्फा माइनस का 2x प्लस का अल्फा इज इक्वल टू x, इसी x को बस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का अल्फा माइनस का 2x प्लस का अल्फा। और जैसे ही लिखोगे विद्यार्थियों, जैसे ही लिखोगे आपका आंसर आंखों के सामने नाचता हुआ नजर आएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 3x प्लस अल्फा साइन ऑफ 2x प्लस अल्फा। यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस अल्फा साइन ऑफ 2x प्लस अल्फा। हाँ या ना? चलिए यहां पर देखें, साइन साइन गया, यहां पर देखें साइन 2x प्लस अल्फा गया, यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट का 2x प्लस अल्फा, यहां पर माइनस का इंटीग्रेशन कॉट ऑफ 3x प्लस अल्फा। अब बिल्कुल ध्यान दें, अगर डिनोमिनेटर में 2 साइन होते हैं तो ऊपर साइन के डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, तो यहां पर डिफरेंस ऑलरेडी तय था, लिखा हुआ था, उसका साइन भी निकला हुआ था, तो यहां पे अपन ने इस डिफरेंस को एक्स को इसका डिफरेंस करके लिख दिया तो बात बन गई। अगर डिनोमिनेटर में 2 साइन होते हैं विद्यार्थियों तो हमेशा कॉट का फॉर्मूला बनता है, अगर डिनोमिनेटर में 2 कॉस होते हैं साथ में तो टेन का फॉर्मूला बनता है। आप पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लीजिए, जब अपन ने 2 कॉस नीचे लिए थे तो टेन बना था और 2 साइन अभी अपन ले रहे हैं तो 2 कॉट बना, पहले भी ले चुके हैं। बताओ कॉट का इंडिकेशन क्या होगा, कॉट लीने का इंडिकेशन 1/2 बाहर है, ये हो जाएगा एल एन मॉड साइन 2x प्लस अल्फा, वी लव लीनियर के तहत यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 माइनस का ln mod sin 3x प्लस का अल्फा, वी लव लीनियर के तहत 1/3 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो विद्यार्थियों आज जो अपने फॉर्म पढ़ी वो ये थी कि 1/2 sin साथ में, 1/2 cos साथ में या 1/1 cos 1 sin साथ में, तो किस तरीके से क्वेश्चंस अपने पास आते हैं उनको कैसे हैंडल करना था। तो ये था लविंग फॉर्म 6, मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।